हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक है वह संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। ये एनसीईआरटी सारे का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो मौलिक कर्तव्य का विचार हुआ है रूस के संविधान से लिया गया। मतलब भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से क्या अभिप्रेरित है। मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया फ्रांस है। मतलब भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। मतलब भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। मतलब भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधनों का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। मतलब भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। मतलब भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मतलब भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान से की गई है। मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस के संविधान से प्रेरित है। मतलब भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। अगला कि इसमें भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के सब हम भारत के लोग मूल अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायिक पुनर्वलोकन सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर महाभियोग जनहित याचिका न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली उपराष्ट्रपति का पद यथोचित विधि पर किराए साले संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। मतलब ब्रिटेन के संविधान था। विधि का शासन संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता द्विसदनीय व्यवस्था विधि निर्माण प्रक्रिया विधि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत कर निर्णय और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकारी सारे कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। मतलब दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये सारे कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से। मतलब कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था शक्तियों का वितरण तथा अब से शक्तियों का केंद्र में निहित होना केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और संघात्मक विशेषता सारे कनाडा से लिया गया। अगला, ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा ये सारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निदेशक तत्व राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये सारे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का निर्णय कहाँ से लिया गया? तो रूस से। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया? ब्रिटेन द्वारा, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। मतलब भारतीय संविधान के भाग, पहला भाग क्या है? भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र और इसका जो अनुच्छेद 1 से 4।